Today I'm going to teach you a chapter, means of transport. So nowadays there are several means of transport that are available to us. Several matlab bahut sare aur available matlab mil jate hain aasani se. If we have to travel by road from one place to another, we can choose from bicycles, cars, bullock carts, buses, right? How do you choose them? Depending on the distance to be covered. राइट कि कितना डिस्टेंस आपको कवर करना है. अगर आपको बड़ा डिस्टेंस कवर करना है देन यू विल चूज अ स्कूटर और अ कार. इफ़ यू वॉन्ट टू चूज अ स्मॉल डिस्टेंस देन यू कैन गो ईदर बाई वॉकिंग और साइकिलिंग और इवन यू कैन टेक अ कार. इट्स योर चॉइस, राइट? सो बट यू ऑल्सो हैव टू टेक इन टू अकाउंट टाइम एंड मनी ऑल्सो, राइट? क्योंकि कार से शायद कम टाइम लगेगा पर पेट्रोल भी चलेगा. पेट्रोल भी वॉक करके जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ना पेट्रोल भी नहीं चलेगा, आपका खर्चा भी नहीं होगा. So, depending on the distance to be covered, the time and the money, all three are important. We can also take a train to travel from one place to another. If we have to travel on water, we can go by boats or ships. We can travel by air in aeroplanes and helicopters. You all know by air kaise hum travel karte hain, right? Lekin modes agar main puchti hai, modes of ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पूछेगी? मोड्स ऑफ ट्रैवल. अगर मैम आपको मोड वर्ड पूछती है, MODE, मोड, तो कौन कौन से मोड होते हैं? चार मोड होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. कौन से फोर होते हैं? रोडवेज. मोड पूछेगी मैम एग्जाम में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. अब अगर हम रोड की बात करें तो इंडिया में तो बहुत बड़ा नेटवर्क है. नेटवर्क का मतलब एक रोड दूसरी रोड से जुड़ी हुई है. द स्टेट कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. हर स्टेट का एक कैपिटल तो होता है ना, आपने पढ़ा ना? पंजाब, कैपिटल ऑफ पंजाब हरियाणा, जयपुर, आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? फिर क्यों भूल रहे हो? क्या होते हैं स्टेट और कैपिटल? गो बैक टू द चैप्टर एंड रिवाइज. तो वो कह रहा है कि हर स्टेट के कैपिटल और उसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज जो है वो कनेक्ट हुई गई होती है ईच अदर से बाय नेशनल हाईवेज. बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेशनल हाईवे क्या होता है? हर द स्टेट कैपिटल्स एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज. स्टेट कैपिटल का मतलब क्या होता है? हर स्टेट का एक कैपिटल होता है जहाँ पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क होते हैं, जहाँ पर बेसिकली उसके जो हेड हैं वो बैठ कर सारा डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसे हम कैपिटल सिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? जहाँ पर सारे डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, राइट? तो वो कह रहा है कि नेशनल हाईवे वो हाईवे होता है जहाँ पर स्टेट कैपिटल और उस कैपिटल की जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, क्या है उस सब, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं. किससे कनेक्टेड रहती हैं? एक दूसरे से. इसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं. तो अगर मैम पूछेगी व्हाट इज़ अ नेशनल हाईवे, द स्टेट कैपिटल एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय नेशनल हाईवेज. अदर हाईवेज कनेक्ट, और भी हाईवे होते हैं. नेशनल हाईवे तो होता ही है, नेशनल हाईवे तो होता ही है. और भी हाईवेज होते हैं जो स्मॉल सिटीज, स्मॉल टाउन्स या विलेजेस को भी कनेक्ट करते हैं. बट नेशनल हाईवे इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर हाईवेज. नेशनल हाईवे इज अ हाईवे दैट कनेक्ट्स द स्टेट कैपिटल एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज. एंड अदर हाईवेज दे कनेक्ट स्मॉल सिटीज. दो सिटी को ज्वाइन करते हैं, दो टाउन्स को ज्वाइन करते हैं, दो विलेजेस को ज्वाइन करते हैं, राइट? रोड्स ऑल्सो हेल्प अस टू मूव अराउंड within the cities and towns. within the cities and towns का मतलब क्या होता है? सिटी के अंदर हम लोग जाते ही तो हैं, सिटी के अंदर रोड के थ्रू ही तो जाते हैं. रोड्स कनेक्टेड होती हैं. जयपुर के अंदर घूमना हो तो कैसे घूमते हैं? रोडों से ही तो घूमते हैं. तो पूरा नेटवर्क ऑफ रोड अच्छे से एक दूसरे से रोड कनेक्टेड होती है. तो रोड्स ऑल्सो हेल्प अस टू मूव अराउंड within cities and towns. within मतलब सिटी और टाउन के अंदर. Many villages, however, still have kaccha roads. लेकिन आप villages में जाओगे, आपको पता है what are kaccha and what are pakka roads? हमने बचपन में करा था, दो साल पहले करा था. So all the villages have kaccha roads, right? A kaccha road is a dirt track made of mud. मिट्टी से बना हुआ track को हम kaccha
रोड कहते हैं। मिट्टी से बना हुआ ट्रैक को हम कच्चा रोड कहते हैं। अब कच्चा रोड इज अ डर्ट ट्रैक मेड ऑफ मड। अब पक्का रोड इज मेड ऑफ टार एंड ग्रेवल। आप सब सिटीज में रहते हो, जयपुर में तो आपको पता है आप सब पक्का रोड पे रहते हो, तो इट इज मेड अप ऑफ टार एंड ग्रेवल। देखा ना ब्लैक कलर का चिपचिपा जब बन रही होती है रोड और पत्थर, सो टार एंड ग्रेवल, ग्रेवल आर स्टोन्स, टार एंड ग्रेवल। रोड्स आर द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव पीपल एंड गुड्स। अगर आपको यू हैव टू मूव पीपल, लोगों को मूव कराना, या यू हैव टू मूव गुड्स, सो गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान, ये सामान ले जाओ, ऑरेंजेस का ठेला ले जाओ, कुछ भी ले जाओ इधर से उधर, तो रोड बहुत कन्वीनियंट होती है, मतलब बहुत आसान होती है। दे कैन बी बिल्ट एनी वेयर, रोड को तो गवर्नमेंट कहीं भी बना सकती है। इवन ऑन हाई माउंटेन्स रोड कैन बी बिल्ट। रोड्स एनेबल पीपल एंड गुड्स टू बी टेकन राइट अप टू देयर डोर स्टेप्स। हमने देखा ही ना, रोड्स एनेबल पीपल एंड गुड्स मतलब रोड्स लोगों के घर तक आ जाती है। रोड्स हमारे घर से भी तो रोड कनेक्टेड ही है ना, हमारे घर से भी कोई सी सामान सीधा रोड से हमारे घर आ जाता है ना, कनेक्टेड। ऐसा तो नहीं है कि हमारा घर यहाँ है और रोड यहीं ख़त्म हो रही है। नो, आर हाउसेज एंड द रोड्स आर कनेक्टेड, आर हाउसेज एंड द रोड्स आर, सो रोड्स एनेबल पीपल एंड गुड्स टू बी टेकन राइट अप टू देयर डोर स्टेप, उनके दरवाजे तक, डोर स्टेप मतलब दरवाजे तक। गुड्स ऑल्सो कैन बी टेकन अप टू द मार्केट और फैक्ट्री, राइट, गुड्स भी पहुंच सकते हैं कहीं, बिकॉज रोड्स आर ऑल कनेक्टेड। द इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द हाईवेज इन आर कंट्री। हमारी जो गवर्नमेंट है, इट इज़ ट्राई टू इम्प्रूव, जैसे आप लोग इम्प्रूव करते हो ना, पढ़ते हो तो करते हो कि नहीं करते हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी रोज हमारे जो हाईवेज हैं उसे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। इट इज़ ट्राइंग टू यूज, अब उसको अच्छा कैसे बनाएंगे रोड को, बाई यूजिंग द मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बाई यूजिंग द मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज 100% गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया। सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट, सबसे लार्जेस्ट, सबसे हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। इट लिंक्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये चार सिटीज़ को जोड़ता है। दिल्ली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई, चारों को जोड़ देता। अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर जाते हो तो ये सब, ये चारों सिटीज़ को जोड़ता है। किस किस को? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, अगैन 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 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। सो इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। नाउ आपको भी सीखना होगा। अब तो मैम कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीड करते वक्त आपको बार बार बुलवा रही है, राइट? सो आप चैप्टर पढ़ते हो, आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो आप इस चैप्टर में नया पढ़ रहे हो वही तो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पिछले साल पढ़ा। और वो देखो आप चैप्टर का नाम क्या था, देखो पीछे चलते हैं, चैप्टर का नाम देखते हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ही हमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने वाला, राइट? सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स तो यही होंगी ना इसके अंदर। अब हमें इसमें से कौन से डिफरेंट पॉइंट्स है जो मैम पूछ सकती है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद ही पता लगाने पड़ेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता नहीं लगा पा रहे तो वो हमारी फॉल्ट है, उसका मतलब हमें पता ही नहीं है, एक गलत बात है ये। नाउ गुड रोड्स आर नेसेसरी फॉर फास्ट मूवमेंट, राइट? अगर रोड्स टूटी फूटी होंगी तो हम एक्टिवा तेज़ चला पाएंगे, क्या होगा, हम टम्बल डाउन हो जाएंगे और गिर जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम फास्ट मूव करें, क्या करें, तो गुड रोड्स बहुत ज़रूरी है फॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। सामान भी फटाफट चला जाएगा और लोग भी फटाफट चले जाएंगे, लेकिन अगर रोड्स ही अच्छी नहीं है, रोड्स आर नॉट गुड, तो ना सामान अच्छा हो सकता है, फटाफट जा सकता है मतलब, और ना पीपल फटाफट जा सकते हैं, राइट? कोई चीज़ फटाफट जाएगी तो उलट जाएगी ना पूरी, अगर टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी रोड होगी तो, राइट? और ना दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप एनी इंडस्ट्री। अगर आपको कोई इंडस्ट्री बनानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है और आपके पास गुड रोड ही नहीं है,
आप गुड रोड से कनेक्टेड नहीं हो तो आपका बहुत नुकसान होता है। क्या होता है, क्योंकि आप अपने गुड्स बनाने के बाद उसको फाइनली ट्रक में लोड करके बेचोगे ही ना, तो अगर आपके पास गुड रोड नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, धीरे धीरे जाएगा, हर चीज़ की प्रॉब्लम है भाई। तो गुड रोड बहुत ज़रूरी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो मैम मुझे गिव मी टू पॉइंट्स व्हाई गुड रोड्स आर इम्पॉर्टेंट, तो तुम बोलोगे गुड रोड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग अप द इंडस्ट्रीज, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एंड दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर आप चाहते हो आपकी कंट्री में डेवलपमेंट हो तो भी गुड रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रेलवे, सब लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया, राइट। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज बिल्ट इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने। पहली रेलवे लाइन इंडिया में मुंबई और थाने के बीच में आई थी, जो 1853 में आई थी, आज़ादी से भी पहले, आज़ादी से भी। सिंस देन, उसके बाद द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया हैज़ एक्सपांडेड, बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपांडेड का मतलब बढ़ता ही जा रहा है, टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हम पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट पोजिशन पर आते हैं। हमारा रेलवे नेटवर्क जो है वो इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया आपको पता ही है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, हम उसी में रहते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट, द रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। हमारे एशिया में हम टॉप पोजीशन पे आते हैं। अब इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ एंड द टाउन्स, बड़े शहर छोटे शहर सबको रेलवेज कनेक्ट कर देता है। ट्रेन्स कैन कैरी मिलियंस ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गुड्स एवरी डे। खूब सारे लोगों को और खूब सारा सामान वो लेकर जा सकता है पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री। ट्रेन्स सस्ती पड़ती हैं इन कंपेरिजन टू एयर फ्लाइट्स, दे आर चीपर। पता होगा ना, फ्लाइट की टिकटें महंगी होती, दे आर चीपर एंड कम्फर्टेबल ऑल्सो, दे आर वेरी कम्फर्टेबल, मोर कम्फर्टेबल एंड फास्टर दैन रोड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको रोड से जाना हो और ट्रेन से जाना हो तो ट्रेन इज़ मोर चीपर, ज़्यादा सस्ती पड़ती है और ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि आप सो सकते हो, वॉशरूम होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सम सुपर फास्ट ट्रेन्स, अब कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो हर सिटी पर नहीं रुकती हैं, तो उसे सुपर फास्ट ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, इट कैन ट्रैवल एट ओवर 100 किलोमीटर एन आवर। शताब्दी एक्सप्रेस एक सुपर फास्ट ट्रेन है जो 1 आवर में 100 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, 100 किलोमीटर। मुंबई एंड कोलकाता की बात करें तो ट्रेन्स वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है टू गो टू वर्क। मुंबई इतना बड़ा है, मुंबई इतना बड़ा कि किसी को मुंबई में नॉर्थ में जाना हो या साउथ में जाना हो, इतना बड़ा है मुंबई कि वो लोग मुंबई के अंदर ही घूमने के लिए ट्रेन के अंदर जाते हैं। जैसे हम तो जयपुर में नहीं जाते ना, हम तो जयपुर में कार से जाते हैं, पर मुंबई और कोलकाता में लोग ट्रेन से अपने कामों पर जाते हैं। एक्सक्यूज मी, इन मैनी ऑफ आर सिटीज़ लाइक कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, द मेट्रो रेल बिकम्स अ फास्ट एंड कन्वीनियंट वे ऑफ लोकल ट्रैवल। मेट्रो ट्रेन क्या होती है आपको सबको पता है, जिसके ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं, जो हर स्टेशन पर रुकती है और सिटी को कनेक्ट करती है, पूरी सिटी को कनेक्ट करती है। तो अगर आपको, जैसे दिल्ली भी बहुत बड़ी सिटी है, कोलकाता, चेन्नई, ये सब बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर लोगों के पास मेट्रो ट्रेन है जो अभी लेटेस्ट वर्जन है। वहाँ पर मुंबई एंड ऑल में मेट्रो अभी तक नहीं आई है, राइट। मुंबई एंड ऑल में नॉर्मल ट्रेन है, पर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में मेट्रो रेल है जो बहुत फास्ट चलती है और आसानी से, इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट, आसानी को कहते हैं कन्वीनियंट, बड़ी स्पेलिंग है ना, तो स्पेलिंग लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 बार करोगे, रोज़ करो, एक दिन मत करो। आपको कोई चैप्टर सिखाया जाता है ना, तो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालो और रोज़ 10 मिनट करो, एक दिन 1 घंटा लगाने से अच्छा रोज़ 15-20 मिनट करो, 10 मिनट करो, आपकी मर्ज़ी है। धीरे धीरे आपको तो स्पेलिंग्स आ गई, चैप्टर समझ आ गया, तो ऑटोमेटिक चैप्टर रिवाइज हो गया। बार बार मेरी वीडियो को सुनते रहो तो चैप्टर लर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने आप ही समझ आ जाएगा। और स्पेलिंग्स आपने प्रैक्टिस कर ली तो आंसर्स तो आप खुद लिख लोगे ना, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, फर्स्ट आओगे अगर मेरी तरीके से करोगे तो।
मेट्रो रेल इन दिल्ली दिल्ली मूव्स पार्टली ऑन अंडरग्राउंड ट्रैक्स एंड पार्टली ऑन एलिवेटेड वंस. वेरी इंपॉर्टेंट. जो दिल्ली की मेट्रो रेल है ना, वो स्टेशन जो होता है पार्टली मतलब आधा, कुछ स्टेशन उसके अंडरग्राउंड बनाए गए हैं. जैसे अभी हम अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के लेवल से नीचे, तो हम डाउन स्टेज एक्सलेटर से नीचे जाते हैं और नीचे उसका स्टेशन होता, तो पार्टली वो अंडरग्राउंड होती है और पार्टली वो एलिवेटेड होती है, मतलब थोड़ी ऊपर होती है. ग्राउंड लेवल से ऊपर को हम एलिवेटेड कहते हैं और ग्राउंड लेवल से नीचे को हम अंडरग्राउंड कहते हैं. तो कौन से दो वर्ड्स हमने सीखे? अंडरग्राउंड ट्रैक एंड एलिवेटेड ट्रैक. अंडरग्राउंड ट्रैक एंड एलिवेटेड ट्रैक. नाउ वी विल लर्न अबाउट एयरवेज. एरोप्लेन्स सबसे फास्ट हैं, सबको पता है द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. इट इज़ वेरी द जर्नी बाय एयर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई. अगर आपको न्यू दिल्ली से चेन्नई जाना हो तो आपको सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 hours. कितने घंटे लगते हैं? 2.5. हाउ एवर इट टेक्स मोर देन 36 hours बाय ट्रेन. लेकिन अगर आपको ट्रेन में जाना हो तो वन डे में 24 hours होते हैं, तो आपको 36 मतलब 1.5 days लग जाता है, जबकि 2 hours में आप किससे पहुंच जाते हो? एरोप्लेन से पहुंच जाते. सो इट इज़ वेरी वेरी फास्ट इन कंपेरिजन टू द रेलवेज. बहुत फास्ट है ना, क्योंकि ऊपर क्या है? ऊपर सब क्लाउड्स हैं और कोई भी और चीज़ें तो है नहीं डिस्टर्बेंस की, राइट? तो ऊपर से वो फटाफट अपने ट्रैक से पहुंच जाती, पर नीचे तो वो नहीं जा सकती ना, क्योंकि जहाँ जहाँ उसका नेटवर्क बनेगा वहीं से उसको ज्वाइन करेंगे ना. लेकिन हवा में तो कुछ भी नहीं है, एरोप्लेन तो ऊपर उड़ता है ना ऊपर. तो अगर आपको भी स्मार्ट बनना है तो बिकम लाइक अ एरोप्लेन, डोंट बिकम अ ट्रेन. बिकम लाइक अ एरोप्लेन एंड दिस इज द वे यू स्टडी एंड देन यू ग्रो रोज आप स्मार्टर की कैटेगरी में आ जाओगे. बात तो माननी पड़ेगी हर्षी मैम की, उसके बिना नहीं आने वाले, ठीक है? सो अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयर. डिड यू नो दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन इज द एयरबस A380. एयरबस A380 A380 is the largest aircraft. It has a double deck aircraft. Double deck मतलब 1 and 2. हम YouTube पे से चेक करते हैं, ओके? A3A क्या था? Come on. कोई नहीं. Airbus A380 क्या था? And normally carries 525 passengers. Double deck है. However, up to 853 passengers can travel. 853 passengers can travel on it. कितने passengers? 853. Normally, it is a double deck aircraft and normally carries तो वो 525 ही ले जाता है, लेकिन उसमें अगर वो fully loaded है तो 853 passengers उसमें आ सकते हैं. और उसके पास इतने powerful engines होंगे ना, कितने सारे लोगों को ले जाएगा. तो इट इज़ फिटेड विथ 4 पावरफुल इंजन्स. हाउ मेनी पावरफुल इंजन्स? 4. हाउ मेनी इंजन्स? 4. इट इज एयर बस A380. अगेन एयर बस A380. अरे जोर से A380. एयर बस A380. पूरा बोलो. एयर बस A380. हो गए ना सारे आंसर्स लर्न? अंदर से टेस्ट बनाने की ज़रूरत है, गाइड्स उठाने की ज़रूरत है, तरीके से रीडिंग करो, सब कुछ आ जाता है. एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर एनी टेरिटरी. टेरिटरी मतलब कहीं भी, किसी के भी कंट्री में वो जा सकते हैं. ओवर हाई माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर भी जा सकते हैं, डेजर्ट के ऊपर भी जा सकते हैं. वास्ट मतलब बड़े बड़े डेजर्ट के ऊपर भी जा सकते हैं. दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट मेल. मेल क्या होता है? मेल करते हैं ना, हम लेटर लिखते हैं, तो कोई भी कुछ भी वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. पेरिशेबल, आपने देखा कि आप यहाँ बैठ के कश्मीर के एप्पल्स खा रहे हो, ये चाइना का फ्रूट है, ये यहाँ का फ्रूट है, ये यहाँ का फ्रूट है, कहाँ से आ जाते हैं? पेरिशेबल मतलब ख़राब होने वाली आइटम्स. पेरिशेबल मतलब
तो दूर दूर से जो खराब होने वाली आइटम्स होती हैं वो फटाफट आपकी कंट्री में पहुंच जाती है थ्रू एरोप्लेन्स. पेरिशेबल का मतलब होता है खराब होने वाली. पेरिशेबल का मतलब होता है खराब होने वाली. सो पेरिशेबल आइटम्स सच एज फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर गुड्स कैन ऑल्सो बी कैरीड क्विकली टू फार ऑफ प्लेसेस बिकॉज ऑफ एरोप्लेन्स. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल कलामिटीज सच एज फ्लड्स. अब मानो फ्लड आ गई. फ्लड क्या होता है? जब रिवर का वाटर लेवल बढ़ जाता है तो सारा का सारा पानी लैंड पर आ जाता है. तो हम कैसे जाएंगे? यहाँ पर तो लैंड तो पानी से भर गई, तो हम क्या करेंगे इस टाइम पर? तो हम ऊपर एरोप्लेन से आते हैं और लोगों को बचाते हैं, अपनी लैडर फेंकते हैं. एरोप्लेन ऊपर आ जाता है टेरेस के थोड़ी हाइट पे, हेलीकॉप्टर, और वो लैडर फेंकते हैं. लोग ऊपर जाते हैं और उनको खाने की चीज़ें भी वो वहाँ से दे देते हैं, थ्रो कर देते हैं ऊपर से. क्या कर देते हैं? तो अगर फ्लड्स आती है, जैसे नेचुरल कलामिटीज़ कहते हैं. नेचुरल कलामिटीज़ का मतलब जो हमारे हाथों में नहीं होती है, जो हमारे हाथों में नहीं, भगवान के रीज़न. भगवान मतलब इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर. इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर. तो नेचुरल कलामिटीज सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड फैमिन. फैमिन क्या होता है? जब सब कुछ सूख जाता है, जब सब कुछ, बिल्कुल भी पानी नहीं होता है पीने के लिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होता, फैमिन कहते हैं उसे. और अर्थक्वेक क्या होता है? जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, जो मूव करती हैं, तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं. नीचे पूरी अर्थ यूं यूं घूमती है. इट इज़ वेरी वेरी बैड एंड डेंजरस. हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल इन दीज सिचुएशंस. तो इस टाइम पर हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं ज़्यादा. क्या होते हैं? बिकॉज एरोप्लेन तो पैसेंजर्स को ज़्यादा कैरी करते हैं, हेलीकॉप्टर्स इस टाइम पर यूज होते हैं. दे आर यूज इन दीज सिचुएशंस. दे कैन लैंड वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट, क्योंकि वो कहीं भी उतर सकते हैं जहाँ पर एरोप्लेन नहीं रुकता. जहाँ एरोप्लेन नहीं रुकता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, उतर सकता है. तो हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है, नॉट एरोप्लेन. ओके. दे कैन लैंड वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट. दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड. क्या काम आता है? क्या करता है हेलीकॉप्टर? फूड देता है, मेडिसिन भी वहाँ के लोगों को दे देता है, और जो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है उस सिचुएशन में वहाँ पर जब ज़रूरत होती है तो वो उसे दे देता है. नाउ एयर इंडिया इज़ अ इंडियाज नेशनल एयर करियर. इंडिया का एयर इंडिया क्या है? हमारे इंडिया का एयर करियर, मतलब वो हमारे इंडिया का है, ब्रांड है ना जो इंडिया की है. एंड इट ऑपरेट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. इट ऑल्सो कनेक्ट्स पीपल विद इन द कंट्री. एयर इंडिया इंडिया और दूसरी कंट्री को भी कनेक्ट करती है, और वो इंडिया और इंडिया की दूसरी सिटीज़ को भी कनेक्ट करती है. इट इज़ द इंडिया एयर करियर. इंडिया का है, जैसे ब्रांड होती है ना, वह कपड़ों की ब्रांड पहनते हैं, कार की मेड इन इंडिया ब्रांड पहनते हैं. तो एयर इंडिया इंडिया की ही ब्रांड है जो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर कंट्रीज में लोगों को ले जाती है. इट ऑल्सो कनेक्ट्स प्लेसेस विद इन द कंट्री. विद इन मतलब कंट्री के अंदर. नाउ विद प्राइवेट एयरलाइंस स्टार्टिंग ऑपरेशंस, द पैसेंजर फेयर्स हैव कम डाउन सब्सटैंशियली एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय एयर. दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. नाउ विद प्राइवेट एयरलाइंस स्टार्टिंग ऑपरेशंस. अब ये तो गवर्नमेंट की एयरलाइंस है ना, एयर इंडिया. ऐसे मानो मेरा मन है कि मैं एयरलाइंस खोलूं, तो प्राइवेटली आप अपनी एयरलाइंस खोल सकते हो. तो प्राइवेट एयरलाइनें जब से अपने ऑपरेशंस, मतलब हवा में उड़ना, इस कंट्री से उस कंट्री या इस कंट्री के अंदर उड़ना शुरू करा है, उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे, मतलब उड़ना शुरू करा है, तब से पैसेंजर के जो फेयर्स हैं, फेयर्स मतलब जो टिकट के पैसे लगते हैं ना. फेयर का मतलब क्या होता है? द प्राइस यू पे बिकॉज यू वॉन्ट टू गो ऑन द एरोप्लेन. द प्राइस यू पे बिकॉज यू गो ऑन द एरोप्लेन कॉल ऑफ फेयर. जैसे हम ऑटो वाला लेते हैं तो ऑटो वाले से पूछते हैं, भैया कितना लेगा? 20 रुपये लेगा कि 30 रुपये लेगा? दैट इज़ द फेयर. फेयर मतलब वहाँ जाने का टिकट. तो उस तरीके से उसको फेयर कहते हैं. दे हैव कम डाउन सब्सटैंशली. तो अभी एयरप्लेन के रेट्स बहुत कम हो गए हैं क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस भी रन कर रही हैं, एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाई एयर. वाटरवेज आपको पता है, इंडिया हैव मैनी मैनी रिवर्स. आपको पता है ना, इंडिया के पास बहुत सारी रिवर्स हैं. बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द रिवर्स. बोट भी यूज़ होती है और स्टीमर भी यूज़ होती है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल ऑन द रिवर. लार्ज शिप्स मतलब बड़ी बड़ी शिप्स टेक पीपल एंड गुड्स. गुड्स मतलब सामान.
तो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो लोगों को भी लेती है और गुड्स को भी लेती है फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर बाय सी. पोर्ट क्या होता है? पोर्ट वो होता है ना मिट्टी वाला हिस्सा जहाँ पर शिप आके रुकती है, तो वहाँ से वो लोगों को भी ले जा सकते हैं और गुड्स को भी ले जा सकते हैं. नाउ मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. सबसे बड़ा सी पोर्ट इंडिया में कौन सा है? मुंबई. यू हैव रेड अबाउट अदर पोर्ट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. आपने पहले ये बताना चाह रहा है, आपने पहले बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में सुना होगा इंडिया के ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, लेकिन सबसे जो मुंबई है इट इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट. इट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मतलब आसान फॉर बल्की गुड्स. बल्की मतलब बड़े बड़े. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, मैं भावनगर गई थी अभी सूरत से. वहाँ पर जो शिप थी वो लोगों को तो कैरी करती है, पर आपको अगर गुजरात में कहीं घूमना है, भावनगर जाना है, तो आप अपनी कार भी उस शिप में ले जा सकते हो. क्या ले जा सकते हो? तो लोग सोचो, हजारों लोगों को वो ले जा रही है और उनकी हजारों या हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी वो ले जा रही है. कितनी बड़ी शिप होएगी. तो लोग नो क्या किया, जैसे मानो मेरी फैमिली को घूमने जाना है, तो हमने अपनी कार ली, जाकर पार्क करी और हम शिप में जाके बैठ गए. फिर हम भावनगर पहुँचे और भावनगर हमने अपनी कार भी निकाल दी और हम उस कार में जाकर भावनगर घूम रहे हैं. तो कितना इंटरेस्टिंग है. तो बड़ी बड़ी शिप्स दिख, सोचो कितनी बड़ी और बल्कि कितनी कमाल की शिप्स होंगी ना, जो कार कोई हल्की थोड़ी ना होती है. कार कितनी हैवी होती है, कार को भी ले जाती है और बल्कि बल्कि बड़े बड़े गुड्स, कोल, आयरन ओर आपको पता ना खान से जो निकलता है, और रॉ ओर, टिम्बर, लकड़ियाँ, ऑयल, कार्स, लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज फ्रॉम आर पोर्ट्स. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, सो आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एट द बैक. इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स, वन लाइनर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इट मीन्स दैट मैम नोज हाउ टू एक्सप्लेन द चैप्टर. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.